नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रताप और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पियानो हारमोनियम प्रताप। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम भगवान कृष्ण का बहुत ही फेमस सॉन्ग है श्यामा आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। आज इस भजन को हम इस पियानो पर बजाना सीखेंगे विथ म्यूजिक, उसका जो म्यूजिक पार्ट है उसको भी सीखेंगे और जो स्थाई अंतरे हैं वो भी पूरा कंप्लीट बजाना सीखेंगे। तो दोस्तों, जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आइए दोस्तों, और देर ना लगाते हुए हम वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। दोस्तों, इस भजन की जो ओरिजिनल स्केल है वो है दूसरा काला, यानी वेस्टर्न के हिसाब से कहें तो डी शार्प, और यही ओरिजिनल स्केल है और हम इसी स्केल से बजाना सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इस भजन में एक म्यूजिक पार्ट फैले हुआ है, जिस म्यूजिक पार्ट में दो इंस्ट्रूमेंट फैले हुए हैं। स्टार्टिंग में कोई फ्लूट जैसा कुछ फैले हुआ है और एंड में कोई फिलक या संतूर जैसा फैले हुआ है। तो सबसे पहले हम म्यूजिक पार्ट को कंप्लीट सीखते हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं जो स्टार्टिंग वाला जो फ्लूट वाला पार्ट है उसको। तो उस पार्ट को हम पहले बजा कर देखते हैं, फिर उसके बाद सीखेंगे। देखिए, देखा दोस्तों आपने कितना इजी है इसको बजाना। अब इसको सीखते हैं छोटे छोटे भागों में। सबसे पहले आपको क्या बजाना है, पहले भाग में यानी तीन बार इसकी को और एक बार इसकी को, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट भाग में बजाना है, जैसे देखिए, और थोड़ा आराम से देखिए, ठीक है। उसके नेक्स्ट वाले भाग में आपको बजाना है, यानी दो बार इसको और एक बार इसको और एक बार इसको, ठीक है। अब इसके लास्ट वाला जो भाग है उसमें आपको बजाना है, यानी एक दो तीन चार, ठीक है। इस पूरे भाग को एक बार रिपीट कर लेते हैं, देखिए, यानी तीन बार इसको और एक बार इसको, फिर यानी एक बार इसको, एक बार इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है। फिर इसके बाद दो बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको, और लास्ट में यानी एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको और एक बार इसको। इस तरह से आपका जो स्टार्टिंग का जो फ्लूट वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, इसी फ्लूट वाले पार्ट को आप दो बार बजा देंगे तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यही पार्ट भजन में दो बार ले हुआ है। अब हम सीखते हैं दोस्तों इसका जो आगे वाला पार्ट है उसको। आगे वाला पार्ट है इसका फिलक का, तो उस पार्ट को पहले हम बजा कर देखते हैं, फिर हम उसको सीखेंगे। देखिए, देखा दोस्तों आपने, अब इस पार्ट को आप बिल्कुल आराम से सीखिए। देखिए, सबसे पहले आप बिगिनर हैं तो आप इसको बजाइए ऐसे, देखिए, यानी पांच बार इसको और एक बार इसको, ठीक है। फिर इसका आगे वाला जो पार्ट है उसको आपको बजाना है कैसे, यानी पांच बार इसको और एक बार इसको, ठीक है। उसके बाद यानी इसको, इसको, फिर इसको, फिर इसको, और लास्ट में इसको पांच बार इसको, यानी पहले बार में आपको ये बजाना है, फिर आपको ये बजाना है, फिर ये बजाना है, फिर ये, और लास्ट में पांच बार आपको ये बजाना है। तो सिंपल तरीके से अगर बजा के देखेंगे तो कुछ ऐसा बच के आएगा, देखिए,
ठीक है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाए आपकी, तो फिर आप इसको दो उंगलियों से भी बजा सकते हैं, तो सुनने में जो ओरिजिनल सॉन्ग में जो बजा है तो उस तरह का भी बज जाएगा। देखिए ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो पहला पार्ट और जो फ्लूट वाला पार्ट है पहला, और ये पार्ट को आप मिलाकर बजा देंगे तो आपका पूरा जो म्यूजिक पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों शुरू होता है हमारा स्थाई, और स्थाई में सबसे पहली लाइन आती है श्यामा आन बसो वृंदावन में। तो इस लाइन को पहले हम बजा कर देखते हैं, फिर हम इसको सीखेंगे। देखिए, ठीक है, अब इस लाइन को बजाना सीखिए। सबसे पहला शब्द है श्यामा, देखिए श्यामा के लिए एक बार इसको और एक बार इसको श्यामा, ठीक है। फिर इसके बाद शब्द है आन, तो आन के लिए, तो आन के लिए एक बार इसको, एक बार इसको और एक बार इसको आन, ठीक है। उसके बाद आगे का शब्द है बसो, बसो के लिए दो बार इसको बसो, ठीक है। उसके बाद आएगा वृंदावन में, तो ये थोड़ा लंबा है तो इसको थोड़ा आधा आधा करके सीखिए। सबसे पहला वृंदा, वृंदा, ठीक है। लास्ट वाला शब्द रह जाएगा वन में, ठीक है। तो वृंदावन में पूरा कंप्लीट कैसे आएगा, और स्लो करके देखिए, ओके। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट लाइन आती है वो है मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। तो इस लाइन को पहले हम बजा कर देखते हैं, फिर हम इसको सीखेंगे। ठीक है, अब इस लाइन को बजाना सीखिए। सबसे पहला शब्द है मेरी, मेरी के लिए एक बार इसको और एक बार इसको मेरी, ठीक है, एक बार इसको और एक बार इसको। उसके बाद शब्द आएगा उमर, तो उमर के लिए, यानी दो बार इसको और एक बार इसको, ठीक है। उसके बाद शब्द आएगा बीत, तो बीत के लिए, बीत के लिए एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको, ठीक है। उसके बाद शब्द आएगा गई, तो गई के लिए, गई के लिए एक बार इसको, एक बार इसको, ठीक है। और लास्ट वाला शब्द आएगा गोकुल में, गोकुल के लिए एक बार इसको, एक बार इसको और एक बार इसको, और लास्ट में बचेगा मैं, तो मैं के लिए एक बार और, यानी गोकुल में, ठीक है। दोस्तों आपका स्थाई कंप्लीट हो गया है। जो लाइन हमने सीखी है यही की यही फिर से रिपीट हो जाएंगी। इसके बाद आएगा अंतरा, तो अंतरे से पहले आप जो हमने स्टार्टिंग में जो म्यूजिक पार्ट सीखा है वो अंतरा बजाने से पहले उस म्यूजिक पार्ट को आप बजा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम सीखते हैं दोस्तों अंतरा। तो अंतरे में सबसे पहली लाइन आती है श्याम रस्ते में बाग लगा जाना। तो इस लाइन को पहले हम बजा कर देखते हैं, फिर हम इसे सीखेंगे। देखिए, ठीक है, सबसे पहला शब्द आता है श्यामा, तो श्यामा के लिए, श्यामा के लिए दो बार इसको, ठीक है। फिर आगे शब्द आएगा रस्ते में, तो रस्ते में के लिए तीन बार इसको, रस्ते और मैं के लिए लास्ट में इसको, यानी रस्ते में पूरा कंप्लीट बजेगा तो तीन बार इसको और एक बार इसको, ठीक है। उसके आगे वाला शब्द है बाघ, तो बाघ के लिए आपको क्या बजाना है, देखिए बाघ के लिए, यानी एक बार इसको, एक बार इसको और एक बार इसको बाघ,
ठीक है, उसके बाद शब्द आएगा लगा। लगा के लिए एक बार इसको और एक बार इसको। लास्ट में शब्द आएगा जाना। जाना के लिए एक बार इसको और एक बार इसको। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सेकंड लाइन आती है, फूल बीनूंगी तेरी माला के लिए। तो इस लाइन को भी हम बजाकर देखते हैं, फिर हम इसे सीखेंगे। देखिए, तो इस लाइन को भी हजाना सीखिए बिल्कुल छोटे छोटे भागों में। सबसे पहला शब्द है फूल, तो फूल के लिए, फूल के लिए दो बार इसको। ठीक है, फिर इसके नेक्स्ट वाला शब्द है बीनूंगी, बीनूंगी के लिए दो बार इसको और एक बार इसको। बीनूंगी यानी दो बार इसको और एक बार इसको। ठीक है, उसके आगे वाला शब्द है थेरी, तो थेरी के लिए, तेरी के लिए एक बार इसको और एक बार इसको। तेरी, फिर माला, तो माला के लिए, माला के लिए एक बार इसको और एक बार इसको। ठीक है, लास्ट में शब्द आएगा खेलिए, तो खेलिए के लिए, के लिए, तो कंप्लीट जब बजाएंगे तो के लिए। ठीक है दोस्तों, यही दोनों लाइन भजन में दो बार रिपीट हुई है, श्यामा रस्ते में बाग लगा जाना, फूल बीनूंगी तेरी माला के लिए, दो बार बजी है। तो अब दो बार इन लाइनों को बजा देंगे तो इतना कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन आती है, तेरी बाट निहारूं कुंजन में, तो इस लाइन को पहले हम बजा कर देखते हैं फिर हम इसे सीखेंगे। देखिए, आप ध्यान दे रहे होंगे तो ये लाइन जो हमने स्थाई जो सीखा था श्यामा आन वसो वृंदावन में, उससे कुछ मिलती जुलती है, लगभग लगभग वैसी है, बिल्कुल 19-20 अंतर है, फिर भी हम इसको सीखते हैं। सबसे पहले शब्द आया है थेरी, तो थेरी के लिए, थेरी के लिए एक बार इसको, एक बार इसको। ठीक है, उसके बाद वाला शब्द आया है बांट, तो बांट के लिए, बांट के लिए। ठीक है, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको। ठीक है, फिर शब्द आएगा निहारूं, यानी दो बार इसको, एक बार इसको, फिर एक बार इसको। निहारूं, ठीक है, दो बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको। ठीक है, और लास्ट वाला शब्द आएगा कुंजन में, यानी दो बार इसको, एक बार इसको और एक बार इसको। ठीक है, इस तरह से आपकी ये लाइन भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके नेक्स्ट बाद लाइन आएगी, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, तो ये लाइन पूरी कंप्लीट हमने स्थाई में सीखी हुई है, जो सेकंड लाइन थी वही की वही लाइन पूरी की पूरी रिपीट हो हुई है। इस तरह से आपका ये अंतरा है वो यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अंतरा आएगा, उसके पहले आप वही म्यूजिक पार्ट फिर से बजा सकते हैं, और बाकी जो अंतरे हैं आपके सेम बिल्कुल एक जैसे हैं, सभी इसी तरह प्ले हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।